गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का एक केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन किया था. दैट वाज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. आज हम कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. लेकिन उसके पहले हम एल्डिहाइड्स, केटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्टिविटीज को थोड़ा देख लेते हैं. इनमें से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, किसकी कम रहेगी, हाउ टू डिसाइड. पहला एग्जांपल है बेटा एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड क्लास रहेगा. दूसरा क्लास आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, कीटोन रहेगा. एंड थर्ड इज आर सी डबल ओ एच, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा. अब तीनों कंपाउंड्स में एक ग्रुप कॉमन दिख रहा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ. ये कार्बोनिक ग्रुप तीनों कंपाउंड्स में सेम ही दिख रहा, इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, एक ऑल दीज कंपाउंड्स शुड हैव सिमिलर रिएक्टिविटीज. सबकी रिएक्टिविटी सिमिलर होनी चाहिए ऐसा हमें लगेगा. लेकिन इनके रिएक्टिविटीज में डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं. दो फैक्टर्स मेनली मान के चलते हैं. पहला फैक्टर कौन सा रहेगा, तो इस ध्यान देना बेसिक पॉइंट, इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा. पहला पॉइंट याद रखना, इस कार्बोनिक कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा. पहला फैक्टर समझ गया. दूसरा फैक्टर कौन सा, इस कार्बोनिक कार्बन को जितने छोटे छोटे ग्रुप जुड़े रहेंगे उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा. ठीक है, तो अब देखते हैं कहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा रहेगा, कहां सबसे छोटे ग्रुप कार्बोनिक कार्बन को जुड़े रहेंगे. तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, एल्डिहाइड्स में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा और यहाँ छोटे ग्रुप पे जुड़े हैं तो कार्बोनिक कार्बन, इसीलिए एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स. एल्डिहाइड्स में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ही रहता है. दूसरा पॉइंट याद रखना, एल्डिहाइड्स में इस कार्बोनिक कार्बन को छोटे ग्रुप्स जुड़े रहते हैं.
easily more reactive than ketones. Now let us decide the reactive to carboxylic acids. देखो जरा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां लिख रहा हूं R C डबल बॉन्ड O O H जो हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया। देखो जरा यहां से लोन पर यहां पे जाएगा, यहां से यहां जाएगा, so that we will get another structure R C O नेगेटिव रहेगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, यहां H रहेगा। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा टू द कार्बन एटम, देखो जरा ये ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है जिसके कारण इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से भी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है जिसके कारण इसका रिएक्शन थोड़ा स्लो ही रहता है। इसके पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। वैसे पॉइंट याद रखना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे रहेगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ भेजता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरा रीजन कौन सा बेटा, जरा ध्यान देना, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप रेजोनेंस दिखा रहा, रेजोनेंस के कारण इसके स्टेबिलिटी बढ़ जाती, स्टेबिलिटी बढ़ते रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पुनः रिपीट करते हैं महत्वाचार्य पॉइंट्स, जरा कोणते आहे बघा, एल्डिहाइड्स कीटोन्स आणि कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में सेम ही कार्बोनिल ग्रुप रहता तो हमें लगेगा तीनों की रिएक्टिविटी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। रिएक्टिविटी मेनली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर कौन सा, कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। इस कार्बन को जितने छोटे ग्रुप्स जुड़े रहेंगे उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। फिर तीनों में से कहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता, एल्डिहाइड में। ऑलरेडी एक्सप्लेन इन अंडर सेंटेंस, वहां देख लेना वीडियो को, ठीक है। यहां पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। यहां इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अल्काइल ग्रुप्स जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी कम। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन पेयर भेजने के कारण इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और भी कम होता, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस भी दिखाते जिसके कारण भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती, स्टेबिलिटी बढ़ गई तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। स्टेबिलिटी बढ़ गई मतलब रिएक्टिविटी कम होती है। अच्छे से याद रखना, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है। अभी सब कुछ आपके कोर्स सिलेबस में नहीं दिया है, फिर भी हमने पढ़ाया क्योंकि आगे चल के काम में आएगा। नहीं समझा, कुछ दिक्कत आती है, डाउट रहते तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस टॉपिक, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ रिएक्शंस हम लिखेंगे बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लैब टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन प्रकार की टेस्ट आपके बोर्ड सिलेबस में दी है जिनकी मदद से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को या कार्बोक्सिल ग्रुप को आइडेंटिफाई या डिटेक्ट कर पाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पहला टेस्ट कौन सा, लिटमस टेस्ट। अभी कैसे करना, कुछ नहीं, सिंपल सा टेस्ट है जो लेबोरेटरी में आप करोगे। इस टेस्ट ट्यूब में आप भरोगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। इसमें फिर लिटमस इंसर्ट करना इस प्रकार से, देखिए ये लिटमस पेपर है, दिस इज ए ब्लू लिटमस पेपर, अच्छा प्रकार इंसर्ट करा। कार्बन बघा
उस समय के बाद ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, देखिए ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हुआ होगा ही, डेफिनेटली ब्लू का रेड में कन्वर्शन हो गया। कंक्लूजन क्या निकलेगा, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। बेटा देखो इस टेस्ट से हमें सब्सटेंस का नेचर पता चलता, इस टेस्ट से हमें कार्बोक्सिल ग्रुप का डिटेक्शन हम नहीं कर सकते। सो भैया लिटमस टेस्ट कैसे करना, लेबोरेटरी में करना है। टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, उसमें ब्लू लिटमस डीप करोगे, इमीडिएट वो रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, इसका मतलब इवन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। लिटमस का एकदम सिंपल टेस्ट, पहला टेस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेम टेस्ट आपके सिलेबस में दिया है। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा रहेगा, जरा ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा दूसरा टेस्ट हम लेंगे बेटा, दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सेकंड, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या करना है, देखो फिर से टेस्ट ट्यूब लोगे, टेस्ट ट्यूब में आप भरोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, लिया इसमें आप ऐड करोगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट में आप ऐड करोगे एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाट विल हैपन हियर, इमीडिएट आपको ब्रिस्क एफरवेसेंसेस दिखाई देते हैं। दिस एफरवेसेंसेस निकलते हैं, अब एफरवेसेंसेस कौन सी गैस के निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, और कोई गैस नहीं निकली, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस यहां निकलती है। ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखाई दे रहे, इससे कंक्लूजन निकलता कि दिस एसिड कंटेन्स सी डबल कोएच ग्रुप। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप। याद रखना है, लेबोरेटरी में परफॉर्म करोगे, बारे में आपको करना है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या ऐड करोगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इमीडिएट आपको ब्रिस्क एफरवेसेंसेस मतलब बबल्स, खूब मोटा प्रमाण में बबल्स बाहर निकलना दिखने तेल, और ये बबल्स कौन सी गैस के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस देख रहे, इससे कंक्लूजन निकलता गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड का गिवन एसिड कंटेन्स कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंस तो हमें पता चल गया है, ठीक है। ये CO2 गैस कहां से आता है, देखो जरा हम रिएक्शन यहां देखेंगे, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NaHCO3, व्हाट विल हैपन हियर, यहां से H पॉजिटिव निकल जाता, यहां बनेगा RCOONa प्लस CO3 से CO2 भी निकल जाता और ये HH मिलके बनाएगा H2O। दिस इज द रिएक्शन। अब समझो ये वाटर सोल्युबल एसिड हमने लिया, तो ये जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता, ठीक है। अब वाटर सोल्युबल एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट अबाउट वाटर इनसॉल्युबल एसिड्स, मैं यहां लिखता हूं RCOOH, ये रहेगा समझो वाटर इनसॉल्युबल एसिड, इसमें भी हम ऐड करेंगे बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, इस प्रकार से रिएक्शन होगा RCOONa और यहां पे CO2 तो निकल जाता, वाटर भी निकल जाता, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इट गोज इनटू द सॉल्यूशन। और इसमें अगर आप कंसंट्रेटेड HCl डालोगे तो आपको RCOOH मिलेगा प्लस NaCl मिलेगा, ये प्रेसिपिटेट बन गया।
प्रेसिपिटेट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहां पे इससे कंक्लूजन निकलता कि दिस इनसॉल्युबल एसिड कंटेन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप. व्हाट आर सॉल्युबल और व्हाट आर इनसॉल्युबल, इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सीओएच ग्रुप को कैसे पहचानना, देखो जरा. तो यहां से सोडियम बाइकार्बोनेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालोगे CO2 equal होगा, आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप. वाटर इनसॉल्युबल पता नहीं आपको वो क्या पान लिया, यहां पे भी CO2 निकलेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेटेड एसिड ऐड करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट बना, इसलिए कंक्लूजन निकलेगा यहां कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है, वाटर इनसॉल्युबल है. यहां कंसंट्रेटेड एसिड डालोगे तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा क्योंकि वाटर सॉल्युबल रहता. देखो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए. तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया. थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, बहुत ज्यादा रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन रिएक्शन सिंपल है. देखिए आगे बढ़ते हैं. अब हमने यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया है, इसके बदले में आप सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट इवन कैन बी यूज्ड हियर. ये सभी जो आपको दिखाई देते हैं दीज आर द वीक बेसिस. कैसे बेसिस होते हैं, वीक बेसिस. फिर बेटा क्वेश्चन है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो कहां से आता है, तो यहां मिस कंसेप्शन रहता ही है बच्चों में. ये CO2 कहां से इवॉल्व होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं, CO2 कहां से निकलता है देखो जरा. तो यहां हम लिखेंगे बेटा RCOOH, ये वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस हम लिखेंगे बेटा NaH, यहां रहेगा NC डबल बॉन्ड O, सॉरी यहां पे O रहेगा, यहां पे रहेगा OH, NaH CO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट. ये नेगेटिव रहता, ये पॉजिटिव रहता, देन यहां पे ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है. क्यों नेगेटिव रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां चला जाता रहता ऑक्सीजन ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण, तो इसलिए नेगेटिव यहां पॉजिटिव यहां. बाद में क्या होगा, ये Na पॉजिटिव यहां आता, H पॉजिटिव यहां चला जाता, सो दैट वी विल गेट आ C डबल O, और यहां क्या है बेटा, क्या आएगा Na प्लस, यहां क्या बचेगा, ये H यहां से यहां चला गया इसलिए HO हो गया, देन यहां C डबल बॉन्ड O, यहां क्या रहेगा OH, राइट. अब देखो बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया जो पानी में चला जाता. अब ये क्या बना, तो दिस इज कार्बोनिक एसिड, ये क्या होता है कार्बोनिक एसिड जो कि अनस्टेबल होता है, इसलिए डीकंपोज होकर क्या निकलता, देखो जरा. तो यहां से ये CO2 निकल जाएगा, साथ में OH plus H2O भी निकल जाएगा, देखो जरा. इस प्रकार से यहां CO2 is evolved from this sodium bicarbonate. मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड और इवॉल्व फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा नहीं रहता. CO2 इज इवॉल्व फ्रॉम दिस सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज आल्सो नॉट गिवन इन बोर सिलेबस. स्किप कर देना, नहीं समझा लिया तो कुछ प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको सिर्फ बोर्ड की स्टडी करना है वो बोर्ड का ही पढ़ेंगे. ये रिएक्शन दिया है बोर्ड के टेक्स्ट में तो यही पढ़ोगे, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये एडिशनल पॉइंट्स आपको पता चल गए हैं, हो गया. उसके बाद एक और टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, कौन सा देखो जरा. यहां एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड की जगह हम ऐड करेंगे अब फिनॉल. पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए टेस्ट किया था, अब हम फिनॉल्स के लिए टेस्ट करेंगे बेटा. यहां हम फिनॉल ऐड करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह फिनोल ऐड किया, क्या होगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस पहले जैसे ही दिखाई नहीं देता. देखो जरा यहां पे
विस्क एफरवेसेंस दिखाई देंगे क्या? नहीं, नो एफरवेसेंसेस, नो एफरवेसेंसेस मतलब CO2 गैस इन्वॉल्व होगी क्या? नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? फिनोल्स भी एसिडिक इन नेचर रहते हैं, बराबर, फिनोल्स भी एसिडिक होते हैं, फिर भी ये CO2 गैस को यहां इन्वॉल्व नहीं कर सकते। रीजन क्या है देखो जरा, तो बेटा ये फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों का डिसोसिएशन हम देखेंगे बेटा वाटर में, तो क्या होगा? यहां से H पॉजिटिव H2 की तरफ चला जाएगा, बनेगा O नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, फिनोक्साइड आयन बन गया। देन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम पानी में डालते हैं बेटा, व्हाट विल हैपन हियर, यहां से H पॉजिटिव चला जाएगा, बनेगा कार्बोक्सिलिक आयन। दिस इज फिनोक्साइड, दिस इज कार्बोक्सिलेट। ठीक, अब इन दो में से किस-किस स्टेबिलिटी ज्यादा हाइड्रोक्साइड है? तो सबसे पहले हम फिनोक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं, इस प्रकार से रहेगा। ये आपने ऑलरेडी फिनोल्स में पढ़ा है, फिर भी एक बार रिपीट में यहां कर देता हूं। ये लोन पे यहां से यहां जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, सो दैट वी विल गेट द स्ट्रक्चर। यहां नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां ऑक्सीजन दो लोन पे रहेंगे। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाना, एकदम आसान है। यहां से यहां लेके जाओगे, पाई इलेक्ट्रॉन पे यहां शिफ्ट होगा, तो यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां ऑक्सीजन रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लिखेंगे बेटा, देखिए एस्पेक्ट्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, रेजोनेंस का पार्ट है ये, जब तक आपको पहले से पता नहीं रहता आपको समझ में आने में दिक्कत जाएगी, थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में भी आ जाएगा। देखिए फिर यहां से यहां लेके जाएंगे, यहां से यहां, सो दैट अनदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल गेट हियर। अब देखो बेटा, इतने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पॉसिबल है जिसके कारण फिनोक्साइड आयंस बिकम स्टेबल, बराबर। देन कार्बोक्सिलिक आयन के लिए हम लिखेंगे R C डबल बॉन्ड O हियर O, देखिए जरा कार्बोक्सिलिक आयन नेगेटिव चार्ज, यहां दो लोन पेयर और यहां तीन लोन पेयर, रहती है अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लिखेंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां, तो ये यहां से यहां जाएगा, सो R C O नेगेटिव, तीन लोन पेयर और यहां डबल बॉन्ड दो लोन पेयर आ जाएगी। अब यहां पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है, कार्बोक्सिलेट आयन भी स्टेबल बनेगा, लेकिन दो में से विच वन इज मोर स्टेबल, तो बेटा इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखने के बाद पता चलता कि यहां बेंजीन के पांच इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, सिर्फ यही नेगेटिव चार्ज यहां बेंजीन रिंग पे मूव हो रहा है, लेकिन यहां देखो बेटा ये नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो रहा है, पहले इस ऑक्सीजन पे बाद में इस ऑक्सीजन पे। मतलब क्या होगा कि इन दो स्ट्रक्चर्स में से कार्बोक्सिलिक आयन में नेगेटिव चार्ज का मोमेंट ज्यादा, डिस्पर्सल ज्यादा है। देखो यहां नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो गया है, इसीलिए याद रखना जितना नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो यहां डिस्पर्सल कम रहेगा नेगेटिव चार्ज का, यहां डिस्पर्सल या मूवमेंट ज्यादा रहेगा, इसलिए दो में से विच वन इज मोर स्टेबल, कार्बोक्सिलिक आयन मोर स्टेबल। यहां हम देखेंगे बेटा ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है तो इस बॉन्ड का ब्रेकिंग काफी ज्यादा होगा, H पॉजिटिव का हाई कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, देयरफॉर दीज आर मोर एसिड। ये लेस स्टेबल है इसलिए इस बॉन्ड का ब्रेकिंग कम होगा, H पॉजिटिव का लेस कॉन्सेंट्रेशन बनेगा इसलिए लेस एसिडिक कहलाएगा। तो इन दिस वेरिएबल पर पढ़ रहे हो, फिनोल्स आर वीक एसिड्स, वीकर एसिड्स एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच वन इज द वीकर एसिड? फिनोल। अब देखो बेटा ये सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस है, फिनोल भी वीक एसिड है जिसके कारण वो इसको डीकंपोज नहीं करता, CO2 नहीं निकलता।
Therefore, M purple. In between phenol and carboxylic acid, which one cannot decompose sodium bicarbonate? Phenol. Why? Because phenol is a weaker acid. जिसके कारण ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को नहीं देगा एंड देयरफॉर रिमेंबर वेयर दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू मेनी न्यू पॉइंट्स आर एक्सप्लेन हियर कई सारे नए पॉइंट्स आपको यहां पता चल रहे लेकिन जितना चलता उतना ही याद रखना ठीक है तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से रहेंगे देखो जरा Once again repeating here, carboxylic acids with a saturated solution of sodium bicarbonate use brisk effervescence of CO2 gas which indicates the presence of carboxyl group in carboxylic acids. Water soluble acids is prakash reaction hoga ye pani mein chala jayega. What about water insoluble acids? ये क्या करेंगे देखो जरा यहाँ अभी नहीं दिख रहा ओके वाटर इंसोल्युबल एसिड समथिंग में डाल तो ऐसा सॉल्ट मिलेगा इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जिससे हमें पता चलता कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स कार्बोक्सिल ग्रुप दो दो प्रकार के एसिड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोल्युबल एंड इनसोल्युबल आगे बढ़ते हैं ये जो Test it. That is not given by phenols. Why? Because phenols are weaker acid than carboxylic acids. Explanation यहाँ दिया है. Then carboxylic कहाँ से निकलता? Carboxylic acids से नहीं. Sodium bicarbonate से ही निकलेगा. This test is used to distinguish between phenols and carboxylic acid. Competitive में पूछा गया है. इस प्रकार से second test हो गया. Then third test हम लेंगे बेटा ये सभी टेस्ट लेबोरेटरी में परफॉर्म की जाती है आपको अच्छे से याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछी है एस्टर फॉर्मेशन या एस्टर टेस्ट हम इसे पढ़ेंगे अब एस्टर टेस्ट कैसे करना देखिए जरा कोनिकल फ्लास्क लेना इसमें थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे प्लस थोड़ा सा अल्कोहल ऐड करोगे एंड ए ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐड करोगे बाद में इस कोनिकल फ्लास्क को वाटर बाथ में रखना ये वाटर बाथ है वाटर बाथ इसको वार्म करना फॉर 5 मिनट्स जस्ट वार्म करना है फॉर 5 मिनट्स 5 मिनट के लिए वार्म करोगे और उसके बाद ये जो मिक्सचर रहता इसको आप इसमें ऐड करोगे ये बीकर जिसमें रहता है वाटर ये पूरा का पूरा मिक्सचर किसमें ऐड करोगे वाटर में तो आपको फ्रूटी स्मेल मिलेगा फ्रूटी स्मेल मतलब एकदम प्लीजेंट स्मेल रहता है अच्छा स्मेल रहता है ये फ्रूटी स्मेल रहे एग्जैक्टली इसका रहता है देखो जरा तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया RCOOH उसमें अल्कोहल ऐड किया HOR- लिखेंगे चलेगा ये R और ये R- डिफरेंट रहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया थोड़ा सा वार्म करेंगे यहां पे बहुत ज्यादा हीट करने की आवश्यकता नहीं है रिएक्शन किस प्रकार से होगा तो यहां से OH यहां से H वाटर एलिमेंट होगा बनेगा RCOOH वाटर निकलेगा अब ये कौन सा क्लास है बेटा तो C डबल O में एस्टर ग्रुप रहता इन दिस वे एस्टर इज फॉर्मड हियर और इसी एस्टर का स्मेल रहेगा फ्रूटी स्मेल ठीक है तो बेटा देखो ये फ्रूटी स्मेल से हमें क्या पता चलता एस्टर इज फॉर्मड हियर और एस्टर बन गया इससे पता चलता ये वन एसिड इज द कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर टेस्ट यहां कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्योंकि ये वाटर को रिमूव करता लक्षक था कंसंट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या रहेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये किसको रिमूव करेगा वाटर को साथ में ये कैटलिस्ट का भी रोल प्ले करता है
दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन अ नेचर, कभी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन याद रखना रिवर्सिबल इन नेचर रखता, तो इसीलिए इट शुड बी कैरिड आउट इन द सेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 का ड्यूअल रोल रहेगा, पहला एज ए कैटलिस्ट, दूसरा रहेगा एडिंग एजेंट। हो गया इसका टेस्ट, इस प्रकार से आप परफॉर्म करोगे जिससे हमें पता चलता है गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल टेस्ट है, लेबोरेटरी में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का टेस्ट हमें बेटा नेक्स्ट रिएक्शन रहेगा। सेकंड रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। देखो जरा वैसे क्लोराइड हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, इसको हम हीट करेंगे KCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनना, रिएक्शन सिंपल वे में होता है, यहां से OH निकल जाता, Cl ऐड होता, बनता RCO, OH निकल गया, बनेगा अगर Cl ऐड हो गया, फिर ये OH बाकी के साथ जुड़ के यहाँ बनता H3PO3, किनारे की याद रखना, ठीक है। अब देखो बैलेंस करना पड़ेगा, ये तीन है इसलिए यहाँ तीन लिखो, इक्वेशन बैलेंस हो गया क्या, नहीं, यहाँ तीन RCO है तो यहाँ तीन लिखो। अब ये क्या बन गया, तो दिस इज एसिड क्लोराइड और एसाइल क्लोराइड भी इसको हम पढ़ते हैं, चलिए दोनों से ही है। Therefore, carboxylic acid on meeting with phosphorus trichloride gives corresponding acyl chloride. अब देखो बेटा यहाँ जो रिएक्शन आपको दिख रही है, that is similar to alcohol. Alcohol के जैसा ही रिएक्शन होता है, इसलिए याद रखोगे कि alcohol और carboxylic acids का रिएक्शन किसके साथ सिमिलर है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और रिएक्शन हमने देखा RCOOH plus PCl5, हीट करेंगे बेटा OH निकलेगा, Cl ऐड होगा, मैग्नीशियम स्टेब रहेगा, बनेगा RCOCl एसिड क्लोराइड प्लस बाय प्रोडक्ट कौन से, तो यहां से H निकलेगा, Cl के साथ जुड़ेगा, HCl बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट एक और इस प्रकार से बनेगा POCl3। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, this is the important part. So carboxylic acid on heating with phosphorus pentachloride gives acid chloride. Next reagent हम कौन सा यूज करेंगे बेटा, SOCl2, इसको हम पढ़ते हैं थायोनील क्लोराइड। रिएक्शन शुड बी कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन, हीट करेंगे OH निकलेगा, Cl ऐड होगा, बनेगा RCOCl प्लस, क्या होगा, तो बेटा यहाँ पे देखो ये SO इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, बनेगा SO2, ये HCl के साथ जुड़ेगा, बनेगा HCl, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है सबको पता ही है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब दोनों बाई प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में निकल जाएंगे, जिसके कारण ये प्योर प्रोडक्ट बचेगा कोनिकल फ्लास्क में। तो देखो carboxylic acid on heating with the thionyl chloride in presence of pyridine gives corresponding acid chloride. इन तीन में से ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीन में से लेबोरेटरी में प्रेफरेबली कौन सा यूज किया जाता है, SOCl2। Why? Because by products are in gaseous state, जिसके कारण वो इजीली बाहर निकल जाएंगे, इनको सेपरेट करने की आवश्यकता ही रहेगी, अपने आप सेपरेशन होगा, प्योर प्रोडक्ट बचेगा, याद रखना है एसोसिएट के फैक्टर यूज्ड हो गया। एक एग्जांपल लेंगे बेटा CH3COOH, इसका नाम इथेनॉइक एसिड प्लस रहेगा SOCl2, पाइरीडीन बनी रहेगा, हीट करेंगे। अब यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ से OH निकलेगा, Cl ऐड होगा, बनेगा CH3COCl प्लस करेगा बेटा ऑक्सीजन SO के साथ जुड़ेगा, SO2 गैस निकलेगा।
निकल गई प्लस एसिल गैस निकल गई, इसका नाम क्या रहेगा? तो दिस इज इथेनॉइड ग्रुप और सीएल मतलब क्या रहेगा? क्लोराइड। इथेनॉइड क्लोराइड इज फॉर्मड हियर, सो इन दिस वे दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। बोर्ड एग्जाम में पूछा क्या है रिएक्शन एक मार्क के लिए, तो आप अच्छे से इसे याद रखोगे। मेथड रहेगा फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड, एसिड अमाइड फॉर्मेशन सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड लेना प्लस अमोनिया लोगे, व्हाट विल हैपन हियर? यहाँ लोन पे रहता, ये एसिड रहता, ये बेसिक इन नेचर रहता, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होने के कारण क्या होगा? यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, H पॉजिटिव प्लस NH3 क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव और ये क्या रहेगा? RCO नेगेटिव। इसको आप क्या करोगे? NH4 पॉजिटिव अमोनियम और ये रहेगा कार्बोक्सिलेट। अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन गया, बाद में इसे हम हीट करेंगे, यहां से क्या निकलेगा? एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मतलब वाटर एलिमिनेट होगा, बनेगा RCO NH2, इसको पढ़ना एसिड अमोनियम। So carboxylic acid on treatment with ammonia gives ammonium carboxylate which on heating loses water to form acid amide। Reaction आपके text में दिया ही है। Example हमने ये बेटा कौन सा देखिए, CH3 C double OH plus ammonia, ठीक है, सेम पे जाना है, इसको याद रखना बाकी सब बनाना, तो बताइए जरा इसको यूज करो, टेल मी द फाइनल प्रोडक्ट फास्ट। इतने शेवटी काय बढ़ना संगल reply fast। यहां आखिरी में प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, मैग्नीशियम सेव यूज करना है। यस यस दिस टू एनएच टू दिस हैज रिप्लाइड वेरी गुड, सही आंसर है। बस ओके गायत्री, लास्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको बताना है बेटा, लास्ट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट नहीं। तो यहां से H पॉजिटिव यहां जाएगा, सो दैट CH3 COO NH4 बन जाएगा। इसको आप क्या पढ़ोगे बेटा? NH4 मतलब अमोनियम होता एंड दिस इज एसीटेट। इसको फिर हीट करो बेटा, व्हाट विल हैपन हियर? क्या निकलेगा यहां से? वाटर। वाटर निकलने के बाद बचेगा CH3, यहां पे रहेगा CO, O निकल गया, H2 निकल गया, बच गया NH2, ये बन गया एसिड अमाइड। कौन है? एसिड अमाइड इज फॉर्म हियर, सो एसिटिक एसिड विद अमोनिया गिव्स अमोनियम एसिटेट व्हिच ऑन हीटिंग लॉसेस वाटर टू फॉर्म एसिड अमाइड। एक और नया रिएक्शन लेके बेटा इस प्रकार से देखिए, C double OH, इसको पढ़ना थैलिक एसिड। यह है थैलिक एसिड और हमने एग्जांपल कह लिया था, इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे तो H पॉजिटिव दोनों यहां जाएंगे, सो दैट प्रोडक्ट मिलेगा COO NH4 COO NH4। NH4 मतलब अमोनियम होता और बाकी जो प्रोडक्ट रहेगा उसको थैलेट हम पढ़ेंगे, सॉल्ट बन गया। इसको हीट करोगे तो दो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे बेटा, बचेगा क्या?
CONH2, यहां भी बच्चे का CONH2, इसको पढ़ना थैलामाइड, और इसको भी हीट करोगे स्ट्रॉन्गली तो यहां से अमोनिया निकलेगा। इसको स्ट्रॉन्गली हीट करना पड़ता, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता ताकि अमोनिया निकलेगा। अब अमोनिया निकल गया तो बनेगा क्या, देखो जरा, यहां CO रहेगा, यहां भी CO रहेगा, NH2 plus H निकल गया, यहां NH बचेगा जिसको पढ़ना थैलामाइड नाउ, नॉट अमाइड, दिस इज इमाइड, साइक्लिक कंपाउंड इज फॉर्मड हियर। एक और रिएक्शन लिख बेटा, RCOCl plus अमोनिया, HCl निकल गया, सिंपल में बचेगा क्या, RCONH2, राइट, फिर से अमाइड बन गया। देयरफॉर एसाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया गिव्स करेस्पोंडिंग एसिड अमाइड, सो दिस इज द अमाइड फॉर्मेशन। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट रिएक्शन, एसिड एनहाइड्राइड नंबर फोर, हम लेंगे एसिड एनहाइड्राइड। ये भी एकदम सिंपल रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा हीट करना P2O5, फास्फोरस पेंटोक्साइड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकलता इस प्रकार से, ठीक है, वाटर निकल गया बच्चे का क्या, RCO दो बार बच गया, देखो जरा, इसलिए RCO दो बार लिखेंगे और ये ऑक्सीजन बच गया, इसको पढ़ना एसिड एनहाइड्राइड। इसी एनहाइड्राइड में बेटा वाटर ऐड करोगे तो इमीडिएट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, देयरफॉर दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद फास्फोरस पेंटोक्साइड और कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स करेस्पोंडिंग एसिड एनहाइड्राइड। ये फास्फोरस पेंटोक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहेगा। एग्जांपल हमने के बेटा CH3COOH, CH3COOH, बताइए जरा क्या बनेगा, तो यहां से फिर से वाटर निकाल लेना, बचेगा क्या CH3CO, कितनी बार बच रहा, दो बार बच गया, और ये एक ज्यादा का ऑक्सीजन यहां हम लिखेंगे, इसको पढ़ना इथेनॉइक एनहाइड्राइड IPCO में। ये कौन से एसिड से बना बेटा, इथेनॉइक एसिड से, इसलिए इसको इतने एनहाइड्रेट कहे ना, वाटर ऐड करोगे फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी जनरेट। सिंपल पे बदल सकते हैं सब कुछ, जैसा कचरा करुणा का एक और रिएक्शन हम यहां एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज RCOONA प्लस नेक्स्ट रहेगा बेटा RCOCN, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द एसिड क्लोराइड, इतना निकल जाएगा RCO, RCO दो बार आएगा बराबर, और ये ऑक्सीजन जाता का बच जाएगा एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म हियर प्लस NaCl, देखो जरा। So in this way, acid anhydride can be prepared. ये कि आप अच्छे से याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं next reaction, only two reactions are left here. Number five, that is decarboxylation. Decarboxylation एकदम आसान सा रिएक्शन है, ये भी कई बार पूछा है, RCOONA, this is sodium salt carboxylic acid plus NaOH in presence of CaOH, इसको पढ़ना कॉस्टिक सोडा, ये देखा कॉस्टिक सोडा या सिंपल सोडा पढ़ा जाता है, ये लाइम रहेगा, इसलिए इस मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम। अब एग्जैक्टली क्या होगा, तो यहां से इतना निकल जाएगा, R और H जुड़ जाएगा, R H बना मींस क्या बना, अल्के, बाय प्रोडक्ट कौन सा, Na दो बार है, Na2 हो जाएगा, ये कार्बन और वो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 3 रहेगा, सोडियम कार्बन निकल गया।
So sodium salt of carboxylic acid on heating with soda lime gives corresponding alkane. अभी सोडा लाइम एक्सेंट क्या होता है? It removes carbon carbon dioxide from this carboxyl group. बेटा इस प्रोसेस में एक्चुअली कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है, इसलिए डी कार्बोक्सिलेशन, डी एडिमेंट्स रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सोडा लाइम का यूज करते हैं. एग्जांपल देंगे बेटा, CH3COOCl plus NaOH, टेल मी द प्रोडक्ट हियर राइट फास्ट. प्रोडक्ट लिख को जरा क्या होगा, जल्दी लिखेंगे. क्या बनेगा आपको बताना है. एकदम सिंपल रिएक्शन है, ऊपर वाला जो रिएक्शन है उसी को यूज करना है, ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर, एवरीवन रिप्लाइड. यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिप्लाइड करेक्टली. यस, वेरी गुड आंसर इज CH4. इतना आपको बाहर निकालना है. यही लॉजिक याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट निकल जाएगा, कार्बोनेट निकल जाएगा. दिस इज मीथेन फॉर्म्ड. अब इसका नाम क्या रहेगा? दिस इज अ सोडियम और ये रहेगा एसीटेट. सो सोडियम एसीटेट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम ग्रुप्स मिलते हैं. इस प्रकार से कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लो, आपको करस्पॉन्डिंग अल्केन या हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा. डीकार्बोक्सिलेशन राइट. एंड लास्ट रिएक्शन हम लिखेंगे बेटा रिडक्शन. फिर से वही लिख बेटा RCOOH, इसको हम ट्रीट करेंगे विद AlCl H4H3O पॉजिटिव ईथर सॉल्वेंट रहता. ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना, जिसके कारण CO ग्रुप रिड्यूसेस टू CH2. ये लक्षण ठेवा. आणि OH जसाच्या तसा, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड टू प्राइमरी. So carboxylic acid on treatment with the lithium aluminum hydride gives corresponding primary alcohol. Example here we have found CH3COOH. यही हम use करेंगे, बनेगा क्या? CH3CH2OH. देखो बेटा, CO gets reduced to CH2. इसलिए COH gets reduced to CH2OH, जो कि primary alcoholic group रहता है. This is acetic acid. And this is ethyl alcohol. So acetic acid on treatment with AlCl H4 gives ethyl alcohol. अब इस reaction में AlCl H4 की जगह B2H6 जिसको हम diborane पढ़ते हैं can be used. Diborane जो है वो ACD यूज करता है. एक और रिएक्शन में पॉइंट आपके सिलेबस में दिया है NaBH4, इसको पढ़ना बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, जरा याद रखना अच्छे से. क्यों ऐसा? क्यों? ये तो रिड्यूस कर सकता, ये रिड्यूस नहीं कर सकता. देख बेटा, यहां डिफरेंस कौन सा दिखाई दे रहा है? ये एल्युमिनियम जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 रहती, यहां बोरॉन जो दिख रहा उसकी 2.0 रहती, और ये हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 रहती. तो AlH के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना रहेगा? 2.1 minus 1.5 0.6 होगा. मैथमेटिक्स आता है यहाँ पे. और बोरॉन हाइड्रोजन में डिफरेंस कितना रहेगा? 2.1 minus 2.0, that is 0.1. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ ज्यादा है? AlH में. इसीलिए यहाँ बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा रहेगी, पोलर नेचर इसका ज्यादा रहेगा, यहाँ पोलर नेचर कम रहेगा. इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, ये इजीली ब्रेक नहीं. जिसके कारण ही AlCl H4 रिड्यूस करेगा, NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा. इस प्रकार से बहुत कुछ भी याद रखना है. ओके, सो हियर इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्केन्स एंड कीटोन्स. थैंक यू.